Hello guys, welcome back to our channel. This is Winkle. Hope you are doing well and you are watching Explorers. तो guys, welcome back to another YouTube video. तो guys, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही informative topic पे. सबसे पहले थोड़ा सा कैमरा सीधा कर लें. तो guys, बात ऐसी है कि आज हम बात करने जा रहे हैं एक important चीज पर, जो कि है आपको कॉलेज कैसे डिसाइड करना है. मेरे भाई मेरी बहनें जो नेक्स्ट इनटेक के लिए आने वाली हैं, मतलब कि नवंबर इनटेक के लिए जो भी आने वाले बच्चे हैं, और जा फिर किसी ने फेब इनटेक के लिए अप्लाई करना है, तो उनको कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कौन सा एरिया, कौन सा सबर्ब, कौन सा सिटी चूज़ करनी चाहिए. तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मेलबर्न सिडनी फुल हो चुके हैं, फुल ऑलमोस्ट, मतलब कि आपको यहाँ पे जगह मिल जाएगी. नो डाउट आपको कॉलेज एडमिशन दे देगा, अम्बेसी वीज़ा भी दे देगी, बट फॉर फ्यूचर आपको पीआर में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने वाली है, क्योंकि गाइस पहले ही ऑलमोस्ट फुल हैं वो. तो पॉइंट्स बढ़ रहे हैं तो पीआर का चांसेस कम होते जा रहे हैं. तो आपको क्या करना है, अगर तो किसी का रिलेटिव वहाँ रह रहा है, मतलब सिडनी मेलबर्न में रह रहा है, तो वेल एंड गुड है. क्योंकि गाइस ऐसा है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि आपको रहना किसके पास है और आपको काम कैसे अरेंज करना है. बट गाइस, अगर आप सोच के चलो कि पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें पीआर चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म चलना है, हमें गेम जो है वो लॉन्ग टर्म खेलनी है, ना कि सिर्फ थोड़ी देर 4-5 साल के लिए पैसा कमा कर वापस आना है. वापस तो खैर कोई नहीं आता, मतलब कि स्ट्रगल करना है उसके बाद. तो आपको मैं सीधा सा एक बताता हूँ, जो बेसिक सा वे है, जो मेरे भाई बहन अगले इनटेक के लिए आ रहे हैं नवंबर, और या फिर जिन्होंने फेब के लिए अप्लाई करना है. तो गाइस, चूज़ रीजनल एरिया कैंपस, रीजनल एरिया कॉलेजेस, रीजनल एरिया यूनिवर्सिटीज़. उसके गाइस आपको तीन बेनिफिट्स हैं. तो तीन बेनिफिट्स मैं आपको गिनाता हूँ रीजनल एरिया में जाने के. पहला गाइस बेनिफिट ये है कि जो आपको स्टडी कंप्लीट करने के पॉइंट्स हैं वो 25 मिलेंगे. नॉर्मल सिटीज़ में 20 हैं, रीजनल एरिया में 25 मिलेंगे. उसके बाद गाइस, जब आप रीजनल एरिया में पढ़ रहे हो और साइड बाय साइड वहाँ पे रह भी रहे हो, मतलब कि अगर आप रीजनल में ही रहते हो और रीजनल में ही पढ़ते हो, तो 5 पॉइंट्स आपको उसके एक्स्ट्रा मिलेंगे. मतलब 25 + 5 = 30, 30 पॉइंट्स हो गए आपको सिर्फ पढ़ने ही पढ़ने के. ये आपको 2 साल की स्टडी है, अगर मास्टर्स है 3 साल की है तो बैचलर्स है, तो समझ लो 30 पॉइंट्स आपके हो गए आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन. तो उसके बाद गाइस, तीसरा बेनिफिट ये है कि जब आप टीआर अप्लाई करोगे, मतलब कि अपना वर्क परमिट अप्लाई करोगे, वो आपको 3 साल का मिलेगा. सिटी में रह रहे हो, नॉन रीजनल एरिया में रह रहे हो तो 2 साल का, रीजनल में रह रहे हो तो 3 साल का. मतलब कि आपके पास 3 साल हैं पीआर के लिए रेडी होने के लिए, पीटीई करने के लिए, नाटी, ये वो जो बाकी रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स रहेंगे उनके लिए. तो तीन बेनिफिट्स आपको गिना दिए, 5 पॉइंट्स फॉर रहने के, 25 पॉइंट्स फॉर स्टडी, और 3 ईयर्स की टीआर. तो तीन बेनिफिट्स हैं अगर आप रीजनल एरिया में रह रहे हो. और उसके बाद गाइस, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत हाई लेवल पे हैं, हाई लेवल इन द सेंस उनका वे ऑफ गिविंग एजुकेशन, और जो वहाँ पे टीचर्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पढ़ाने के सोर्सेज बहुत ज़्यादा डेवलप हैं. तो ऐसा नहीं है कि आप रीजनल में जा रहे हो तो स्टडी में फ़र्क पड़ेगा, इवन मच बेटर है. कई यूनिवर्सिटीज़ का नाम बहुत है, जैसे मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ USQ, वो टोयम्बा में है. उनके 3 कैंपस हैं, एक सिटी में स्प्रिंगफील्ड में, एक इप्सविच में, एक टोयम्बा में. टोयम्बा में जो है उनका मेन कैंपस है, मतलब कि उनका रीजनल कैंपस है, मेन कैंपस रीजनल है. तो कोर्सेज की वैराइटीज़ इतनी ज़्यादा हैं वहाँ पे, मतलब कि इतनी ज़्यादा टीचर्स, फैकल्टी, इवन नॉन टीचिंग स्टाफ सारे ही अप टू डेट हैं बहुत ही अच्छे से. और इवन कि वो तो स्टूडेंट्स को इतना सपोर्ट करते हैं कि आपको अगर जॉब चाहिए तो उसमें भी आपको हेल्प करते हैं राइट नाउ. हाँ, मेरे को पता है कि रीजनल एरिया में जो जॉब की हैं वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू सिटीज़, क्योंकि ये सिटीज़ में थोड़ी सी डेवलप हैं तो काम का भी थोड़ा ज़्यादा होता है. तो ऐसा नहीं है कि रीजनल में आपको काम नहीं मिल सकता. अगर आप काम की तरफ से चलो
तो गाइस सिटीज़ में तो ऑब्वियस ये काम मिल ही जाएगा। तो आपको मैं बताता हूँ, सिंपल सा ऐसा है, देखो अगर तो आपकी फैमिली सपोर्टिव है, सपोर्टिव इन द सेंस कि दे शुड पे योर फीसिस, आपकी जो सेमेस्टर की फीस है जो भी है, 1300, 13,000, $14,000 जितनी भी है, अगर तो वो पे कर सकते हैं तो सबसे सुपर यही है कि आप वहाँ पे रह लो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मैक्स 4 महीने में आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। ठीक है, जॉब मिल गई तो आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस निकाल सकते हो, फीस घर से मंगवा लो और पीआर में आपको आसानी हो जाएगी। और अगर आप नहीं निकाल सकते तो गाइज फिर तो आपको सिटी में रहना पड़ेगा, सिटी में जॉब करनी पड़ेगी। और गाइज एक चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑल्टरनेटिव क्या है, अगर मेरे हिसाब से तो ऐसा कर सकते हो कि आप यूनिवर्सिटी रीजनल ही ले लो, और एरिया रीजनल थोड़ा सा जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे आप अपना जगह ले लो, मतलब जहाँ पे आप रहना है, जहाँ पे आपने रहना है, स्टे करना है। उसका बेनिफिट ये होगा कि ये आपकी यूनिवर्सिटी है, ये आपका घर है और यहाँ पे आपको काम मिल रहा है, मतलब कि आप बीच में हो जाओगे, यूनिवर्सिटी भी असेस हो सकती है, काम भी असेस हो सकता है। तो बेस्ट ये है कि आप ऐसा कोई ऑल्टरनेट ढूंढ लो, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क वर्क, मतलब कि आपको घर घर गली गली भटकना पड़ेगा, जिसके लिए पहले तो काम के लिए, फिर आपको घर के लिए, फिर उसके बाद गाइस आपको ऐसा घर चाहिए जहाँ से आपको असेस करना इजी हो दोनों चीज़ों को। बाकी गाइस अगर आप इतने विलिंग हो कि आप अपनी खुद की कार ले सकते हो यहाँ पे, तो हाई लेवल है, मतलब कि काम तो मिलेगा मिलेगा और यूनिवर्सिटी भी जा सकोगे, और अगर दूर काम मिल रहा है तो भी कर सकोगे, क्योंकि गाइस ऐसा है यूनिवर्सिटी तो 2 या 3 दिन ही होगी, मैक्स 4, बाकी रह गए 3 दिन फ्री, 3 दिन आप जम के काम करो 20 घंटे। तो ये थे तो रीजनल एरिया गाइस, जो मेरे को थोड़े से पता है ब्रिस्बेन के साथ साथ लगते हैं वो है रोजवुड, प्लेन लैंड, गैटन। गैटन में गाइस बहुत जॉब है, गैटन में फार्म वर्क है, फार्म वहाँ पे फार्म्स हैं, तो वहाँ में आपको काम मिल सकता है और पे रेट भी अच्छा है, 19 से 20, 21 भी है, और गाइस काम थोड़ा हार्ड वर्क है तो, बट काम मिल जाता है आपको, अगर आपको काम चाहिए और आप विलिंग हो, अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो तो गैटन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। फिर वहाँ से गाइस फिर आप आ जाओ टोयम्बा, टोयम्बा तो अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, आने वाले 4-5 सालों में बहुत अच्छा बनने वाला है, तो टोयम्बा। और उसके बाद गाइस अगर हम थोड़ा इधर, वैसे तो मेरे को यही पता है टू बी फ्रैंक, बाकी मैं गाइस सर्च करके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि ये है और यहाँ पे ये वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आपका काम क्या है, आपको क्या करना है, सिर्फ अपने एजेंट को पास जाना है और उसको बोलना है कि मेरे को रीजनल एरिया में यूनिवर्सिटी चाहिए और मेरे को ये वाला कोर्स चाहिए, इसके रिलेवेंट चाहिए। अगर तो वो आपको, वैसे तो गाइज 90% अब जो इंडिया से बच्चे आ रहे हैं उनको रीजनल एरियाज ही मिल रहे हैं, क्योंकि वीज़ाज भी थोड़े आसानी से मिल रहे हैं वहाँ पे, और सिडनी मेलबर्न और ब्रिस्बेन के थोड़े से तो कम लग रहे हैं वीज़े, बट एज़ कम्पेयर टू रीजनल कैंपस, ये नहीं कि नहीं लग रहे, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं नहीं लग रहे, वीज़े लग रहे हैं बट रीजनल कैंपस के ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये सिटीज़ के वीज़े हैं, ये रीजनल कैंपस के, तो इतनी सी डिफरेंस है बस। तो रीजनल एरिया के मैंने आपको बेनिफिट्स तो बता दिए कि क्या क्या है, बट गाइज मेनली अब चूज़ आपने करना है कि अगर आप फीसिस निकाल सकते हो तो रीजनल एरिया सबसे बेस्ट है, खुद आप घर से लेके आ रहे हो तो आपको मतलब कि खाना मिल रहा है, बस खाना है। अगर तो हार्ड वर्क करना चाहते हो, खुद फीस निकालनी है, तो गाइज फिर आपको थोड़ा सा एफर्ट करके, दिमाग से सोच के, सारे फील्ड को समझ के, फिर उसके बाद बैटिंग करनी होगी, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि हर बॉल आपको हाफ पिच ही आएगी, यॉर्कर भी आ सकता है, तो देखना आप, आपको है कि उस पर बोल्ड होना है कि उसको स्टॉप करना है। बस आज की वीडियो में मैंने सिर्फ इतना ही बताना था, तो मेक श्योर आपका काम क्या है कि आप कमेंट ज़रूर करें और हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और गाइज अगर आप किसी और वीडियो का टॉपिक चाहते हो कि हाँ कोई भी वीडियो हम लेके आएँ आपके लिए और आपके टॉपिक पे, तो हम ज़रूर लेके आएंगे। और गाइज़ एक Q&A थोड़ा सा डिले हो रहा है, डिले इसलिए हो रहा है कि मेरी यूनिवर्सिटी थी तो मेरी असाइनमेंट्स भी थी आगे। गाइज़ अब मेरे को आ रही हैं मिड टर्म ब्रेक्स, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि मिड टर्म ब्रेक्स का क्या क्राइटेरिया है, उसमें कितने देर काम कर सकते हैं, ये वो सब कुछ। तो उसमें गाइज़ मैं पूरा पूरा टाइम दो दो वीडियोज़ डालने की कोशिश करूँगा एक दिन में। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को, इसको एक्सप्लोर, इसको सब्सक्राइब कर दें। और गाइज मेरा इंस्टाग्राम हैंडल को ज़रूर मेरे को फॉलो करना वहाँ पे, जिसका नाम है VINKAL_MANKOTIA12।
विंकल अंडरस्कोर मनकोटिया 1-2। तो मेक श्योर आप उसको फॉलो करें, और गाइज प्लीज़ कमेंट भी करना वीडियो पे, और मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, आई डेफिनेटली रिप्लाई। और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो होप आपको वीडियो अच्छी भी लगी हो, तो सो गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द ब्रदर्स, ऑल द सिस्टर्स जो आ रहे हैं नेक्स्ट इनटेक में। तो लाइफ तो थोड़ी हार्ड है गाइस यहाँ पे, बट यहाँ आ गए हो तो कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा अब, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। सो प्लीज़ कम एंड वेलकम।